नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसहाक डार की तरफ से एक बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट आ रही है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पूरे रीजन के लिए। दरअसल पाकिस्तान ने एक स्टेटमेंट जारी करी है कि पाकिस्तान भारत के साथ व्यापार करना चाहता है, और आपको बता दें कि उनकी व्यापार करने की मजबूरी क्या है। और दूसरी तरफ ये एक बात ये भी कह रहे हैं कि अब ये भारत को अफगानिस्तान से के साथ व्यापार नहीं करने देंगे। तो आइए पूरा न्यूज को समझते हैं कि ये दरअसल है क्या और इसके पीछे के जियोपॉलिटिक्स क्या है। दरअसल दोस्तों, अफगानिस्तान में एक प्रॉब्लम चल रही है कि वहाँ पे खाने पीने की बड़ी दिक्कत है, वहाँ पर वैसे भी बहुत ज़्यादा गरीबी है। तो भारत वहाँ पर कुछ अपना अनाज भेजता है, अनाज का मतलब कि गेहूँ भेजता है वहाँ पर, और फ्री ऑफ कॉस्ट भेजता है। ऐसा नहीं कि उसके लिए कुछ वो पैसे ले रहे हैं, वहाँ के लोगों की ये मदद कर रहे हैं। तो उसको भेजने के लिए भारत ने पाकिस्तान से बोला था कि हमको एक रास्ता दे दो ताकि हम अपने यहाँ पंजाब से गाड़ियों को निकालें और वो अफगानिस्तान पहुँच जाए, और वो उसके लिए आप अपना एक रास्ता दे दीजिए तो यहाँ से उनके पास पहुँच जाएगी चीज़ ईज़िली। तो पाकिस्तान ने ये चीज़ कर दी थी काफ़ी बोलने के बाद। अब ये चीज़ तो शुरू हो गई, भारत का सामान यहाँ से वहाँ चला जाता है, इससे अफ़गानिस्तान की मदद हो जाती है। लेकिन अभी क्या है कि कुछ टाइम से अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में संबंध अच्छे नहीं चल रहे हैं। वहाँ पे आए दिन कुछ ना कुछ बम विस्फोट होता रहता है, किसी न किसी तरीके से लड़ाई होती रहती। जैसे अभी पिछले हफ्ते की बात है कि पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक कर दी थी अफ़गानिस्तान के अंदर जा करके, वहाँ के 8 लोगों की मौत हो गई थी। तो इससे जो अफ़गानिस्तान है उसने भी अपने बॉर्डर पर अपने तालिबान के जो लड़ाके हैं उनको लगा दिया, और उनके पास आधुनिक हथियार हैं इस वक्त, क्योंकि उन्होंने अमेरिका के हथियारों को लूट रखा है अफ़गानिस्तान ने। तो वो अभी लेटेस्ट हथियारों के साथ लड़ते हैं। तो पाकिस्तान उधर से पूरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड है, एक तरह से वो परेशान है उन लोगों से, तो इसलिए वो उनका कुछ कर नहीं पा रहा है। तो उसने यही कहा कि हम इंडिया को उसके साथ व्यापार नहीं करने देंगे, और साथ ही साथ ये कह रहा है कि हम भारत के साथ व्यापार करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान में भारत का सामान मिलता है, वो डायरेक्ट नहीं पहुंचता है, वो इनडायरेक्ट तरीके से पहुंचता है कि पहले भारत का सामान पहुंचता है यूएई यानी कि दुबई, फिर वहां से वो पाकिस्तान पहुंचता है, जिसकी वजह से भारत के सामान की वहां पे कॉस्ट भी ज़्यादा हो जाती है, वो महंगा हो जाता है। तो वहां के जो लोग हैं भारत का सामान तो यूज करते ही हैं, उसकी उनको कीमत भी ज़्यादा चुकानी पड़ती है। तो इसलिए पाकिस्तान का अब ये दिमाग ठिकाने लग गया है कि पाकिस्तान भारत के बिना अपनी आर्थिक तरक्की को नहीं बढ़ा सकता है। इस वक्त पाकिस्तान के हालात क्या हैं ये तो दोस्तों सभी को मालूम है, क्योंकि वहाँ पे इस वक्त भी 30-32% की इन्फ्लेशन रेट है। ये सोचिए कि हमारे यहाँ इंडिया में 5-6% की इन्फ्लेशन रेट है। इन्फ्लेशन रेट मतलब कि महंगाई दर। अब महंगाई दर सोचिए 5-6% में हमारी ये हालत है। अब यहीं से अंदाज़ा लगाइए कि पाकिस्तान में ये 30-32% की महंगाई दर है, तो वहाँ पे क्या हालात हुए होंगे। लोगों की जो भी सेविंग्स होंगी वो सारी ख़त्म हो चुकी होंगी। तो वो उनका एक प्रेशर है पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ऊपर, और पाकिस्तान आए दिन देखते हैं आईएमएफ के पास लोन मांगने के लिए चला जाता है। तो आईएमएफ का तो सीधा सा जवाब होता है कि पहले आप अपने देश में जो टैक्स कलेक्शन करते हैं इसको बढ़ाइए, और कुछ जो आपके यहाँ गलत तरीके से कुछ चीज़ों का उत्पादन होता है उस पर बिज़नेस किया जाता है, और जो इलीगल है जैसे कि तंबाकू, उस पर आप टैक्स बढ़ाइए ताकि आपके यहाँ जीडीपी के हिसाब से आपके यहाँ टैक्स कलेक्शन हो, उसका रेशियो सुधार सके। तो ये आईएमएफ का सजेशन है, जो अब ये कर नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ये टैक्स लेते हैं अपनी गवर्नमेंट के साथ। तो अब इन्होंने कहा है कि भारत के साथ हम अपने व्यापार को बढ़ा सकते हैं, अब हम उस पर विचार करेंगे और सीरियसली उस पर ध्यान देंगे। लेकिन उससे पहले भारत ने कुछ अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर रहे हैं, उसको भारत को पहले से सही करना पड़ेगा। जैसे कि भारत ने जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख में 370 जो धारा थी इसको हटा लिया था, उसी के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच में व्यापार बंद हो गया था। और ये जो बंद हुआ था इसको पाकिस्तान खुद से जिम्मेदार है बंद करने के लिए, और जब से उसने इस व्यापार को बंद किया उसके पास जो चीज़ें सस्ती पहुँच सकती थी इंडिया में, इंडिया से, वो चीज़ें अब उसके पास पहुँचती हैं और महंगी पहुँचती हैं। तो इससे उसकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब होती जा रही है, दिन पर दिन और ज़्यादा परेशान होता जा रहा है। तो ये अब पाकिस्तान को समझ में आ रहा है कि भारत के बिना वो आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन भारत के पास जब ये ऑफ़र आया तो भारत ने इसको तुरंत ही रिजेक्ट कर दिया। भारत को पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान को भारत की ज़रूरत है इस वक्त, क्योंकि
हमें क्या है, हम तो अपना बिजनेस कर ही रहे हैं जैसे हमको करना है, जिन देशों के साथ करना है हमको तो आगे बढ़ना है, तो हम पाकिस्तान की तरफ क्यों देखेंगे? पाकिस्तान को सिर्फ आतंकवाद की तरफ देखना है, उसको दूसरी चीज़ समझ में आती नहीं है, तो उसको लगता है कि ऐसे आगे बढ़ा जा सकता है तो वो ऐसे बढ़ रहा है। अब देखना ये है कि और अब पाकिस्तान किस तरीके से निर्णय लेता है जिससे भारत के साथ व्यापार की शुरुआत कर सके। मुझे नहीं लगता है कि भारत के साथ पाकिस्तान के व्यापार अब सही से सुचारू रूप से कभी चलेगा, फिलहाल अभी तो नियर फ्यूचर तो नहीं दिख रहा है कि चलेगा, आगे देखते हैं क्या होता है। दोस्तों अब इस पर और भी डेवलपमेंट होगी और इससे डेवलप्ड कोई भी न्यूज होगी वो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लेकर आऊँगा। धन्यवाद।